कि आखिर बीजेपी की ये सरकार अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटा क्यों नहीं रही। वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण अभी तक अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बने हुए हैं। बीजेपी के इसके पीछे की क्या है रणनीति और क्यों उनको हटाने को लेकर बीजेपी में पशुपेश की स्थिति देखने को मिल रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। किसानों को जिन गाड़ियों से कुचला गया उसमें एक गाड़ी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की थी, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। किसानों की हत्या की साजिश के आरोप में टेनी का बेटा आशीष गिरफ्तार हुआ, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लखीमपुर कांड को सोची समझी साजिश कहकर टेनी के बेटे की धाराओं में हत्या की धाराएं जुड़वाने की बात कही, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। बेटे के सवाल पूछने पर पत्रकारों को अजय मिश्रा टेनी ने सरेआम गालियां दी, थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। जबकि कैबिनेट विस्तार में एक साथ 12 मंत्रियों को विदा कर दिया गया, लेकिन टेनी सुरक्षित है। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन टेनी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन टेनी का बाल तक बांका नहीं हुआ। असम से कर्नाटक तक मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन आपकी हैसियत टस से मस नहीं हुई। इस्तीफा छोड़ो, सरकार की ओर से सुख बुगाहट भी नहीं हुई। अलबत्ता टेनी दिल्ली आए, पीछे के रास्ते ही सही, मगर सुबह वो नॉर्थ ब्लॉक आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। 17 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट के सरकारी दौरे पर वो जा रहे हैं, 17 दिसंबर को उनका मणिपुर में कार्यक्रम है, 18 दिसंबर को डिब्रूगढ़ में राजभाषा पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। समझो, सरेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले गृह राज्य मंत्री राजभाषा पर व्याख्यान देंगे। बढ़िया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भले ही मांग कर रहा हो, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि वह नॉर्थ ब्लॉक के गृह मंत्रालय में मौजूद हैं। यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजभाषा कमेटी से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ गृह राज्य मंत्री रूम नंबर 119 में इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जब वो अपने मंत्रालय के रूम से मीटिंग रूम में गए तो उस वक्त काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो आज यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जा सकते हैं। मगर सवाल का सिरा पकड़े रहिए, टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। अव्वल संसद में तो सरकार मंत्री के बचाव में खड़ी रही। हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते, हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम मास्क पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। सरकार भले ही बचाव में है, लेकिन बता दें कि अजय मिश्रा टेनी पर हत्या का आरोप है। हत्या के मामले में टेनी जमानत पर हैं और हाई कोर्ट में हत्या का मामला लंबित है। फिर भी सरकार में टेनी को हटाने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्यों टेनी को बीजेपी क्यों बर्दाश्त कर रही है। जवाब सुनिए। अजय मिश्रा टेनी की कैबिनेट में एंट्री ब्राह्मण होने की वजह से हुई। टेनी ब्राह्मण समाज का मजबूत चेहरा माने जाते हैं। लखीमपुर और आसपास के क्षेत्रों में टेनी का अच्छा प्रभाव है और उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है। योगी सरकार पर पहले से ही ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा लगता रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता रहा है। अब सर पर चुनाव है और बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए टेनी का जलवा कायम है। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।